हाँ बच्चों, सुप्रभातम। आज अपने गणित विषय में प्रश्नावली एक, इसमें छोटा बड़ा करेंगे। कौन सी वस्तु छोटी होती है, कौन सी उसमें बड़ी होती है। तो गणित विषय को समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिकल्पना समझनी होगी। गणित विषय है वो गणना पर आधारित है। सबसे पहले हमें गिनती करनी आनी चाहिए, वस्तुओं को गिनना आना चाहिए। फिर एक से सौ तक गिनती बोलनी आनी चाहिए। जब गिनती बोलनी आ जाएगी उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में हम कुछ वस्तुओं की जानकारी लेंगे। ये जानकारी अवधारणा के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हमें छोटा और बड़ा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन सी वस्तुएँ छोटी है, कौन सी वस्तुएँ बड़ी है, इनकी पहचान हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले अवधारणा में प्रश्नावली एक में देखते हैं। ये इधर देखिए, ये चित्र बना है, तितली का चित्र बना है। ये जो मैंने उंगली रखी है, ये चित्र है, ये छोटा है। क्या ये छोटा है? और इसके नीचे जो चित्र बना है ये क्या है? बड़ा है। इसमें हमें छोटे और बड़े की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से चित्र नंबर दो, ये कमल का चित्र बना है। इसमें सबसे पहले ऊपर छोटा चित्र बना है, उसके नीचे बड़ा चित्र बना है। तो कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इसके बारे में अपने जानकारी हुई है। इसी तरह से नीचे आते हैं, इसमें ये चित्र बना है मछली का। मछली सभी बच्चों ने देखी है क्या? ये मछली बड़ी बनी हुई है देखो। और इसके नीचे जो चित्र बना है ये छोटी मछली का बना है। तो कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, इसके बारे में अभी अपने जानकारी प्राप्त की है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं ये दो पेड़ हैं। क्या ये दोनों पेड़ हैं? तो कौन सा पेड़ बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। जैसे देखते हैं तो ऊपर वाला पेड़ है ये बड़ा है, है ना, नीचे वाला पेड़ है छोटा है। तो हमें छोटे और बड़े की जानकारी मिली है। इस प्रकार से हम अपने आसपास अपने घर में बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, उसमें कुछ वस्तुएं छोटी होती है और कुछ वस्तुएं बड़ी होती है। तो घर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में भी अपने जानकारी लेंगे। जैसे अपने घर में गिलासें होती है, कुछ गिलास बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। तो यहाँ इस चित्र में देखेंगे ये छोटी गिलास है और इसके पास है ये बड़ी गिलास है। तो कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, इसके बारे में अभी अपने जानकारी प्राप्त की है। इसी प्रकार से घर में अपने चाय पीने के लिए कप होते हैं, कुछ कप छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। ये जो मैंने उंगली रखी है ये छोटा कप है, इसके पास वाला ये बड़ा है। तो हमें क्या पता चला कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इसके बारे में जानकारी हुई है। इसी प्रकार से अपने घर में छोटी कढ़ाई होती है, बड़ी कढ़ाई भी होती है। ये चीज़ें अपने घर में रखते हैं सभी चीज़ें, ये छोटी कढ़ाई है और ये बड़ी कढ़ाई है। इसी प्रकार से कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, इसके बारे में जानकारी हुई है। आगे बढ़ते हैं तो खेलने के लिए अपने पास बहुत सी सामग्री होती है, जैसे गेंद भी होती है। गेंद से सभी बच्चे खेलते हैं और खेलना सभी को अच्छा लगता है। कुछ बच्चों के पास छोटी गेंद होती है, कुछ के पास बड़ी होती है। बड़ी गेंद को क्या कहते हैं? फुटबॉल कहते हैं, वॉलीबॉल कहते हैं। और छोटी बॉल से भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये छोटी गेंद होगी और ये बड़ी होगी। इसी प्रकार से गेंद के बारे में जानकारी मिली है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। इसी प्रकार से अपने आसपास के जो वातावरण है उसमें घर में कुछ पेड़ पौधे भी लगे होते हैं, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ बड़ी होती है, कुछ की छोटी होती है। तो यहाँ इस चित्र में देखेंगे ये पत्ती छोटी है और ये बड़ी है। तो छोटी और बड़ी का ज्ञान हुआ है। इसी प्रकार से अपने घरों में उत्सव कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए आप सजावट करते हैं, कुछ छोटे गुब्बारे लगाते हैं, कुछ बड़े भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा गुब्बारा है और ये छोटा गुब्बारा है। इसी प्रकार छोटे और बड़े की जानकारी। अब यहाँ नीचे आते हैं, चित्र के अंदर देखते हैं। ये चित्र बड़ी आइसक्रीम का है और ये छोटी आइसक्रीम का है। आइसक्रीम खाते हैं ना सभी बच्चे, और गर्मी में आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है सभी को, है ना। तो आगे चलते हैं, ये क्या देखते हैं? फूल। चित्र के अंदर क्या देखते हैं? फूल।
अपने घर में भी कुछ फूलों के पौधे लगे होते हैं, कुछ के फूल बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। तो ये छोटा फूल है और ये बड़ा फूल है। इस प्रकार से आज हमने गणित विषय में छोटे और बड़े की जानकारी प्राप्त की है। सभी बच्चे अपने घर पे अपनी जो गणित विषय की कॉपी लगाई है, जिसको अपने अभ्यास पुस्तिका कहते हैं, उसमें इसी प्रकार से चित्र बना करके आज का जो पाठ करवाया है, इसी कार्यक्रम को अपने पूरा करेंगे। गृह कार्य समझते हुए इसको गृह कार्य के अंदर पूरा उतारना है और सुंदर सुंदर चित्र बनाने हैं। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया ना? हाँ जी, धन्यवाद।